हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद चीपी। और आज हम आए हैं एक नए फार्मर के पास जो कि सोजत ब्रीड और अपने बेड़े भी पालते हैं ये। तो आज एक थोड़ा सा वीडियो जो है वो यूनिक होने वाला है। और ये हैं इनकी बकरियां जो कि सोजत में हैं। बच्चे इनके पास हैं कुछ, और कुछ इनके जो है सेल हो गए हैं। अगर आप कोई भी लेना चाहें तो मैं इनके नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे फ़ोन की अपने फ़ोन में वीडियो की स्क्रीन पे जो हैं आपको ये नंबर मिल जाएंगे। बहुत सारी बेड़े हैं यहाँ पर, और ये बेड़ों का जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है जो बनने वाला है अभी मेरे इस चैनल पे। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम। अभी आपको ये क्वालिटी दिख रही होगी। एक्चुअली क्या है कि जो पुरानी सोजत की जो ये नस्ल है वो इसी टाइप में है। अगर आप सोचते हैं कि गुलाबी के अंदर अगर आपको सोजत मिलेगी तो जो ब्लैक चमड़ी के अंदर थी वही सोजत है। और क्रॉस होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस पे जो है आपको गुलाबी चमड़ी की जो बकरियां हैं मिलती है। इनके पास बच्चे भी हैं सेल के लिए, तो आप देख लीजिएगा क्वालिटी है। अभी जो इस फार्म के ओनर हैं हमारे साथ, सर क्या नाम है आपका? बालूराम जी। बालूराम जी, तो सर अपने पास क्या क्या है? ये भेड़ है। हाँ, भेड़ है, बकरा बच्चा है। तो ये भेड़ जो देख रहे हैं हम, ये कोई अलग नस्ल की है? ये अलग नस्ल की है। क्या ये नस्ल में थोड़ा लग रहा है मेरे को कुछ अलग है भेड़? हाँ अलग है। अच्छा, तो अपना ये गांव कौन सा है? गांव खेड़ा देवगढ़। तो ये अपने निमास से कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। कोई भी आना चाहे तो निमास से ये 3 किलोमीटर के फासले पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बकरी वगैरह आप कितने सालों से रख रहे हैं? हम 30-25 सालों से रहते हैं। 30 सालों से बकरी? 30 सालों से। अच्छा, तो ये बताइए आपकी बकरियां जो आप सेल करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं? यहाँ से आके कोई लेके जाता है या बाली पार्टी आती है? पार्टी आती है। तो आपने यहाँ से बाहर किए हैं सेल? हाँ किए। अच्छा, फिर इनका खाने का क्या रहता है? आपने खाने का तो ये तो गवार की कूटी डाली। अपने यहाँ क्या होता है कि चराने बाहर जाते हैं ना? चराने बाहर। आप 90% बाहर ही जाते हैं? बाहर ही जाते हैं। गाइस ये बता देना चाहता हूँ कि एक बार मैं इनके पास आया था वीडियो बनाने, लेकिन ये क्या है कि बाहर निकल गए थे। हमें क्या है कि थोड़ा जल्दी आना पड़ता है इनके पास, मॉर्निंग टाइम रहता है तो 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपको भी इनको कॉल करना है या आना है तो आप 9 बजे 8 से 9 के बीच में आ सकते हैं। और अच्छी सी नस्ल की ये भेड़े हैं, अगर आप ख़रीदना चाहें। इन भेड़ों की क्वालिटी आप देख लीजिए। अगर डॉक्टर वगैरह की प्रॉब्लम हो, अगर बकरी वगैरह बीमार होती है तो क्या करते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था है? व्यवस्था है। अच्छा, ज़्यादा बीमार होती नहीं होगी क्योंकि आपके पुरखों का एक? हाँ, छोटी मोटी तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस, क्या है कि इनकी पीढ़ियों से ये काम है, तो ये छोटी मोटी कोई भी दिक्कत आए तो ये इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। बकरी वगैरह कितने में सेल करते हो? बड़ी बकरी कितने में सेल? बड़ी 20-25 में जाती है। 20-25 में जाती है। और छोटे छोटे बच्चे जो 3 महीने बच्चे जाते हैं 10,000, 11,000, 10,000, 9,000, 10,000। कितने कितने महीने के? महीने के 3-3 महीने के, 4-4 महीने के बच्चे जाते हैं। तो जैसे अपने बच्चे बता दो ना मेरे को, कौन कौन से अपने जैसे? ये बच्चे आओ आप बताओ। ये बच्चे? अच्छा, ये अब कितने महीने का होगा? ये 3 महीने के बच्चा है। अच्छा, 3 महीने का है। हाँ। और जैसे ये खड़ा है जो? ये तो खड़ा 20-20 में जाते हैं, 7 साल का हो गया। दो दांत कर लिए इसने? दो दांत कर लिए। अच्छा अच्छा, और बड़ी बकरी है जैसे कि ये बकरी है अगर इस हाइट की, ये कितने दांत की है? ये 3 दांत की बनी है भाई। अभी 3 दांत की हुई है, यानी कि ये 18-19 महीने की या 21 महीने समथिंग की। तो ये अगर कोई लेना चाहे तो फिर इसके क्या रेट वगैरह होती है? रेट 20,000, 25,000, 21,000। ग्यावनी हो तो 20,000 है।
और प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसका रेट अलग है। हाँ, और ये आयनी भी ले जाते हैं, बच्चा भी नहीं पीछे जाता है तो 10,000-12,000 में दे देते हैं। ये मेरे को एक नस्ल जो है वो दूसरी दिख रही है, ये कौन सी नस्ल है? ये अलवर की, अलवर की तोतापुरी नस्ल, तोतापुरी वाइट मुंह वाली बकरी। हाँ हाँ भाई, ये बकरी देखिए इसका खड़ी नहीं है, हम जानवरों को अभी उठाएंगे नहीं, लेकिन इसका पंच फ्रेश और इसका जो चेहरा है वो भी वाइट में है। किसानों के यहाँ गांव-गांव घूमना पड़ता है, फिर वहीं से आपको है जो क्वालिटी मिलती है। कुछ कहना चाहोगे आपने व्यूअर से, अगर कोई लेना चाहे तो आप आराम से आए हैं? आराम से आप कोई टाइम आके ले जाए। अच्छा, और आपका नंबर जो है मैं दे दूंगा। हाँ, आप हमारा नंबर दे देना, खेड़ा देव तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हम खेड़ा देवगढ़ के रहने वाले हैं। तो गाइज ये इनको तो आप जानते हैं, अपने वीडियो में आ चुके हैं राहुल जी, ये है बालू राम जी, और आपका क्या नाम है सर? बादर। बादर जी, तो आज इनके फार्म पे हम लोग आए थे और यहाँ पे अपने वीडियो जो है बनाया। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप कॉल करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे इस चैनल में। ये बच्चे हैं, भेड़ के भी बच्चे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, कुछ पेड़ के लिए फीड भी रखा हुआ है। हेलो बोलो सबको। ये बारिश के दिनों में है, बेड़े वगैरह यहाँ पे सेट हो जाती है, और इनके खाने के लिए ये पुट्टी है। एक्चुअली क्या है कि हरा चारा जो है वो आपको वहाँ मिल जाता है बाहर, क्या है कि ये लोग बाहर चराने के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारे खेत इनके लिए हुए होते हैं, तो खेत लेने की वजह से इनके हरे चारे की कभी दिक्कत नहीं आती।